हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12 एग्रीकल्चर की। क्लास 12 एग्रीकल्चर के स्टूडेंटों के लिए सब्जेक्ट है आपका ये पशुपालन। सब्जेक्ट है आपका पशुपालन। देखिए क्लास 12 है जी, और जो हमारा आज का टॉपिक है वो है पशुओं की आयु ज्ञात करना, यानी जो पशु होते हैं तो उन पशुओं की हम आयु को कैसे ज्ञात करते हैं। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। देखिए, और एक बात मैं आपको बता दूं, मेरे चैनल पे आपको क्लास 12 एग्रीकल्चर के सभी सब्जेक्ट कराए जा रहे हैं। आप एक बार प्लेलिस्ट को अवश्य चेक कर लें, प्लेलिस्ट आप देखिए, हर सब्जेक्ट की मैंने आपके लिए प्लेलिस्ट बना दी है। तो देखिए टॉपिक को करते हैं स्टार्ट। देखो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है पशुओं की आयु ज्ञात करना, किस प्रकार से हम पशुओं की आयु को ज्ञात करते हैं। तो समझो वीडियो को बिल्कुल शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। देखो पशुओं जो होते हैं, जो जानवर जैसे आप बोलते हो, पशुओं की जो आयु ज्ञात करना है उसको ज्ञात करने की निम्न विधियाँ हैं। देखो बहुत सारी विधियाँ हैं, ठीक है, कौन कौन सी विधि हैं उन विधियों को हम जानेंगे। उन्हीं विधियों के माध्यम से अपने लोग पशुओं की आयु को ज्ञात कर सकते हैं। आगे समझो, देखो एग्जाम्पल की बात अगर हम करें, और भी हैं विधियों के साथ साथ और भी कुछ पॉइंट हैं वो भी हम आपको बताएंगे। देखो पशुओं की बाहां शरीर बनावट देखकर, अगर आप पशुओं की बाहां शरीर यानी पूरी शरीर की बनावट अगर देखकर, बनावट को देखकर भी बता सकते हो कि इस पशु की आयु कितनी होगी, एक अनुमान लगा सकते हो। दूसरा पॉइंट देखिए, पशु के खुर देखकर, जो पशु होते हैं उनके खुर को भी देखकर आप पशुओं की आयु का पता लगा सकते हो। अगला जो पॉइंट है वो है पशुओं के सींगों के छल्ले को गिनकर, यानी जो पशुओं के जो सींग होते हैं उन सींगों के ऊपर क्या होते हैं, छल्ले होते हैं। तो इस प्रकार से मैं आगे इसका सींग का मैं आगे आपको डायग्राम दिखाऊंगा बाकायदा, तब आप आराम से समझ जाओगे। चलिए आपको डायग्राम दिखाई देता हूँ। ये देखिए, ये वाला देखिए, ये जो आप डायग्राम देख रहे हो ना, ये चित्र देख रहे हो, भैंस के सींग पर छल्ले, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए, ये जो सींग है इस प्रकार से, ये इस प्रकार से आप देख रहे हो, ये क्या है, इन छल्लों को गिन के भी आप आराम से बता सकते हो पशुओं की आयु। चलिए समझते हैं अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है हमारा पशुओं के दांत गिनकर आदि। तो आपने कौन कौन से पॉइंट समझे, पशुओं की आयु कैसे ज्ञात करनी है, किन किन माध्यम से ज्ञात करनी है। तो देखो आप पता कर सकते हो पशुओं की बाहां शरीर बनावट देखकर, दूसरा है पशुओं के खुर को देखकर आप पता कर सकते हो, तीसरा पॉइंट आपका है देखिए पशुओं के सींगों के छल्ले को गिनकर, और चौथा पॉइंट है जो पशु हैं उनके पशुओं के दांतों को गिनकर आप पता लगा सकते हो। तो देखो इसमें हमने फर्स्ट हेडिंग डाली है पशु के खुर देखकर। आप पशुओं के खुर किस प्रकार से देखोगे और किस प्रकार से आप बताओगे कि भाई जो ये पशु है उसकी एज इतनी है, ठीक है। तो समझिए आप, देखो पशुओं के खुर को कैसे गिनना है, आपको कैसे देखना है। देखो कम आयु के पशु के खुर चिकने चमकीले और छोटे होते हैं। जैसे मान लो कोई पशु है उसकी उम्र क्या है, कम है। अगर उस पशु की कम उम्र होगी तो जो पशु है, पशु के जो खुर है ना, वो खुर कैसे होंगे, चिकने होंगे, चिकने के साथ साथ चमकीले होंगे, चमकीले के साथ क्या होंगे, छोटे होंगे। तो तीनों पॉइंट आपको याद रखना है, खुर चिकने होंगे, चमकीले होंगे और छोटे होंगे। आगे समझिए आप, अगला हमारा जो पॉइंट है, देखो जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है यह खुरदरे और बड़े होते चले जाते हैं। अब देखो जैसे जैसे पशु की एज बढ़ती जाएगी, जैसे पहले पशु 2 वर्ष का है तो अब 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, यानी इस प्रकार से जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जो पशु के जो खुरद जो पैर हैं वो कैसे हो जाएंगे, खुरदरे हो जाएंगे और बड़े होते चले जाएंगे, ठीक है। और कम एज के कैसे थे, कम एज के खुर कैसे थे, चिकने थे, चमकीले और छोटे थे, लेकिन जब उम्र बढ़ेगी, उम्र के साथ साथ पैर जो है ये
पशुओं के जो खुर हैं वो खुरदरे हो जाएंगे और बड़े होते चले जाएंगे। एक ही स्थान पर बंधे पशुओं के खुर बढ़कर लंबे हो जाते हैं। जैसे एक पशु है और उसे आप लगातार एक ही स्थान पर बांध के रखते हो, ठीक है, तो उस पशु के जो खुर हैं वो बढ़कर कैसे हो जाएंगे, लंबे हो जाएंगे, ठीक। लेकिन लेकिन क्या है, जो पशु रोजाना चरागाह में जाते हैं, क्या कह रहा है ये पॉइंट समझो, जो पशु रोजाना चरागाह में जाते हैं या कृषि कार्य करते हैं, जो पशु रोजाना चरागाह में जाते हैं या कृषि कार्य करते हैं, उनके खुर बड़ी आयु में भी छोटे कौमा चिकने व चमकीले दिखाई देते हैं। छोटे चिकने व चमकीले दिखाई देते हैं, ठीक है। ऐसी दशा में पशु की आयु का अनुमान लगाना बड़ा कठिन हो जाता है। क्या कह रहा है पॉइंट को समझो, ऐसी दशा में पशुओं की आयु का अनुमान लगाना बड़ा कठिन हो जाता है। इसके अतिरिक्त यदि पशु के खुर में क्या हो, घिसाव आदि ना हो, अगर पशु का जो खुर है उसमें क्या ना हो, घिसाव आदि ना हो, तब भी इस विधि से पशुओं की सही उम्र का अनुमान लगाना कठिन होता है। ये पॉइंट आप समझ गए। अगला पॉइंट समझो आप, देखो जो अगला हमारा जो पॉइंट है, अगली जो हमारी हेडिंग है वो उसे समझो। ये हेडिंग मैं आपको ऊपर ही बता चुका हूँ, सींग के छल्ले गिनकर। देखो सींग के छल्ले किस प्रकार से गिनोगे, देखो मैंने आपको बिल्कुल पूरा कंप्लीट आपके चारों सब्जेक्ट करा दूंगा मेरे चैनल पे क्लास 12 एग्रीकल्चर के, आपको सारे के सारे सब्जेक्ट मिलेंगे, ठीक है, चाहे वो एग्रोनॉमी हुई, चाहे एनिमल हस्बेंड्री हुई, या फिर हम जूलॉजी की बात करें, या फिर हम केमिस्ट्री की बात करें। आपका जो सिलेबस है, सिलेबस आपका चेंज नहीं हुआ है, पुराना ही सिलेबस है, आपको कोई भी समस्या नहीं है। मैंने प्लेलिस्ट आपको आपकी बना दी है, वहाँ से आप एक एक वीडियो को चैप्टर बाई चैप्टर आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगर आपको नोट्स लेने हैं तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए देखिए, पशुओं की आयु का अनुमान हम पशुओं के सींगों के ऊपर की धारियों या छल्लों को गिनकर भी करते हैं। जैसे कि मैंने आपको सींग का चित्र दिखाया है, सींग के छल्लों द्वारा आयु का अनुमान सही सूचक नहीं है। देखो अब यहाँ पे पॉइंट को समझना, पॉइंट को समझने वाली बात है। कह रहा है सींग, सींग के जो छल्ले हैं उन छल्लों द्वारा आयु का अनुमान सही सूचक नहीं है, यानी अनुमान उससे क्लियर 100% सटीक नहीं बैठता है। इस बात को आप समझो, बल्कि यह पशु के प्रजनन क्षमता या विशिष्टता को दर्शाता है। गाय या भैंस के ब्याने के कुछ समय पहले, क्या कह रहा है, गाय या भैंस के ब्याने के कुछ समय पहले तथा कुछ समय बाद तक सींग मोटाई में बढ़ता है। कैसे बढ़ता है, सींग मोटाई में बढ़ता है जबकि अन्य समय में लंबाई में बढ़ता है। बात समझ गए, यानी गाय या भैंस के ब्याने के कुछ समय पहले तथा कुछ समय बाद तक सींग कायम बढ़ेगा, मोटाई में बढ़ता है जबकि अन्य समय में लंबाई में बढ़ेगा, वृद्धि होगी, अतः सींग पर एक छल्ला प्रकार की रचना बन जाती है। जैसा कि आपने सींग में का जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया, ये देखिए जैसा कि इसमें ये छल्ला टाइप का बन गया है, ठीक है, ये भैंस का है, इस प्रकार से ये सींग दिख रहा है आपको। आगे समझो, इसमें ब्याद के समय पहला छल्ला दृष्टिगोचर होता है, तत्पश्चात यदि पशु प्रतिवर्ष ब्याता रहे तो प्रतिवर्ष एक छल्ला बनता रहेगा, तभी छल्ले की संख्या द्वारा उसकी आयु ज्ञात की जा सकती है। चलिए, वीडियो आपको अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कीजिए। चलते हैं आगे की ओर, यहाँ से आप समझिए, आप देखो आगे समझो, कभी कभी लोग पशुओं को बेचने से पहले उनके सींगों पर से छल्लों को रेती से रगड़कर उनकी संख्या कम कर देते हैं। ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। देखो क्या कहा जा रहा है, जो पशुओं को पालते हैं, ठीक है, जब वो अपने पशुओं को बेचने वाले होते हैं या बेचते हैं,
तो उनकी आयु को छिपाने के लिए क्या करते हैं, उनकी उम्र को छिपाने के लिए क्या करते हैं, जो पशुओं के सींगों पर क्या होते हैं, छल्ले होते हैं, उन छल्ले को क्या करते हैं, रेती से रगड़कर उनकी संख्या को कम कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, अगर संख्या कम होगी तो जो खरीदने वाला पशु को जो खरीदने जाएगा वो समझेगा कि ये कम उम्र का पशु है। अगला पॉइंट समझो आप, जिससे पशुओं की उम्र जो है कम आकी जाए और पशु और मूल अधिक प्राप्त हो सके, ऐसी दशा में सींग के छल्ले को गिनकर पशु की आयु का सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता। तो आप समझ गए, अगर आप सींग के छल्ले गिनकर अगर पशु की खरीदारी कर रहे हैं तो आपके साथ धोखा भी हो सकता है। किस प्रकार का धोखा, देखो जो देख लिया आपने पॉइंट, मैंने आपको समझाया, समझ गए होगे, जो छल्ले होते हैं उन छल्लों को रेती से रगड़कर भी छल्लों की संख्या को कम किया जा सकता है, ठीक है, जिससे कि पशु की आयु क्या हो, उम्र क्या हो, कम लगे और उसकी जो पैसे हैं वो अधिक मिल जाएं, ठीक है। तो ये वाला जो रूल है भाई, सींगों को छल्लों को गिनकर ये ठीक नहीं है। अगला पॉइंट है दांत देखकर, ये वाला जो पॉइंट है ये बिल्कुल सटीक है। तीसरा पॉइंट है दांत को देखकर, ठीक है, आपको देखना, आपके पास घर पे कोई भी छोटा पशु हो तो कोई भी खरीदारी करने वाला आएगा, खरीदने आएगा, वो सबसे पहले क्या देखेगा, दांत देखेगा। पशुओं के दांतों को देखकर आप पता लगा सकते हैं कि ये कितने वर्ष का है, इसकी आयु कितनी है। तो देखो, पशुओं की आयु का अनुमान करने की सभी विधियों में दांत देखकर पशु का अनुमान अपेक्षाकृत अधिक विश्वसनीय और ठीक रहता है। देखो, जैसा कि मैंने बताया, वैसे ही पॉइंट में लिखा है, ये विश्वसनीय और क्या है, ठीक है। कौन सा, दांत को देखकर। पशु मेला, बाजारों, पैट एवं देहातों में जो लोग पशुओं के दांत देखकर ही उनकी आयु का अनुमान करते हैं, कहाँ कहाँ पशु मेला लगता है तब, बाजार इत्यादि में, और जहाँ पैट लगती है, पैट भी एक प्रकार की बाजारी होती है, और देहात में लोग जो पशुओं के का लेन देन करते हैं वो दांतों को देखकर ही अनुमान लगाते हैं। आगे समझो बेटा, अगला है दांतों द्वारा पशु की आयु ज्ञात करने के लिए दांतों का सावधानी पूर्वक निरीक्षण करना चाहिए, ठीक है। और एक बात आपको बता दें, आपको अगर क्लास 12 एग्रीकल्चर में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो आप कमेंट करिए, हम कमेंट के माध्यम से आपको पूरी हेल्प करेंगे, ठीक है। आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं, कोई सी टॉपिक कोई समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसी टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बना देंगे। अब देखो, अगली जो हेडिंग है हमारी, वो हेडिंग क्या कह रही है, देखो हेडिंग कह रही है जुगाली करने वाले पशुओं का दंत सूत्र। क्या कह रही है, जुगाली करने वाले पशुओं का दंत सूत्र। तो समझो इसे, एक है अस्थाई दंत सूत्र, ठीक, इसके बाद हम पढ़ेंगे स्थाई दंत सूत्र, ये वाला जो है वो अस्थाई है। तो अस्थाई पहले बता दूं, दांतों की संख्या कितनी होती है, 20 होती है। अब देखो यहाँ पे कैसे करके दांतों को गिना जाता है, वो प्रोसेस समझो। देखो, जैसे कि सपोज आप पशु के मुंह की तुलना आप अपने मुंह से करिए, ठीक है, जैसे पशु का मुंह होता है वैसे ही मनुष्य का ही होता है। जैसे देखो ऊपर लिखा है, ऊपरी जबड़े का दायां और बायां भाग, जो ऊपर का जो जबड़ा है उसका दायां और बायां भाग, ठीक है, अपॉन दे रखा है नीचे जबड़े का दायां और बायां भाग, ठीक है। इस प्रकार से हम गिनते हैं लिखकर। अब देखो, आपको लिखकर समझाते हैं। देखो, दांत कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से समझो, एक होता है कृंतक दांत, दूसरा होता है कील दांत, तीसरा होता है अग्रदाढ़ और चौथा मुख दाढ़, ठीक है। तो जो कृंतक दांत होते हैं तो ऊपर जबड़े में कितने होते हैं, 0+0 या 0+0, ठीक है, और निचले जबड़े में कितना है, 4+4। इसी प्रकार से कील दंत है तो ऊपर वाले जबड़े में 0-0 और नीचे वाले में भी 0-0, अपॉन में नीचे वाले जबड़े की बात हो रही है, ऊपर वाले जबड़े में 0 है और नीचे वाले जबड़े में भी 0 है। इसी प्रकार है अग्रदांत, तो जो अग्रदांत है ऊपर वाले जबड़े में क्या है, दोनों साइड में दाएं और बाएं दोनों साइड में कितने दांत हैं, 3-3 दांत हैं, और नीचे भी जबड़े में भी दोनों साइड में कितने हैं, 3-3 दांत हैं, ठीक है। प्लस मुख दाढ़ क्या है, 0 और 0। अब आप जोड़ोगे इसे तो ये 20 टोटल बैठेंगे, कितने बैठेंगे, 20 बैठेंगे। आगे समझिए,
स्थायी दांत। अगला हमारा जो पॉइंट है वो है क्या है, स्थायी दांत। ठीक है, तो स्थायी दांत के बारे में भी हम वैसे ही समझेंगे। देखो किरंतक दांत होते हैं, कील दांत होते हैं, अग्रदांत होते हैं और मुख्य दांत होती है। ठीक है, इसी प्रकार से ऊपर वाले जबड़े में कृंतक 0-0 और नीचे वाले में 4+4। ठीक है, 4+4 यानी 4 बाएं और 4 दाएं। इसी प्रकार है जो कील वाले दंत हैं, ये ऊपर वाले जबड़े में 0-0 हैं और नीचे वाले में जबड़े में भी क्या है, 0-0 हैं। अग्रदाण है तो अग्रदाण भी ऊपर वाले जबड़े में है, दोनों तरफ दाएं बाएं 3-3 हैं और नीचे वाले जबड़े में भी 3-3 हैं। ठीक है, और इसी प्रकार से जो आपका ये आ गया अग्रदाण हो गया। अब देखो मुख्य दाण, तो मुख्य दाण में भी ऊपर वाले जबड़े में 3-3 दांत हैं दाएं और बाएं। इसी प्रकार से नीचे जबड़े में भी 3 और 3 दांत हैं दाएं और बाएं। इस प्रकार से टोटल अगर आप इससे काउंट करोगे तो ये 32 हो जाएगा। ठीक है, टोटल संख्या कितनी हो जाएगी स्थायी दांत की, 32। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है आपसे स्थायी दांत कितने होते हैं और अस्थायी। तो स्थायी कितने बताओगे, 20, और सॉरी अस्थायी बताओगे आप 20, और स्थायी कितने होते हैं, 32। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा, वो आपको बता दे रहे हैं अगला टॉपिक हमारा क्या रहेगा। देखो ये तो हमने पढ़ लिया। अगला जो हमारा टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में बनेगा वो हमारा ये वाला टॉपिक रहने वाला है, अच्छी दुधारू गाय के गुण, लक्षण और विशेषताएं। ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को अवश्य देखना। ठीक है, तो आप कमेंट के माध्यम से बताइए आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप लाइक अवश्य कर दिया करें। देखिए लाइक करने से क्या होता है, हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि हमारे बच्चों को जो हम पढ़ा रहे हैं वो समझ में आ रहा है। ठीक है, और वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।